मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर इलाके में एक मकान पर पेड़ लटक गया है और इस मकान में रहने वाले अदनान शेख और नाबिल शेख बता रहे हैं कि इस पेड़ से काफ़ी अब डर लग रहा है, क्योंकि दो दिन पहले ही तेज़ हवा चल रही थी और कल करीब रात 11:30 बजे के आसपास ये पेड़ अचानक से घर के ऊपर झुक गया है और घर से टच हो गया है। ये नारियल का पेड़ है और इसकी एक टहनी भी टूटकर नीचे गिरी, जिसकी वजह से पत्रे का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और इसके नीचे एक मांगने वाली महिला खाना खा रही थी बैठकर, उसे भी चोट लगी है। वहीं इसकी जानकारी दमकल कर्मियों को भी दी गई और पेड़ का निरीक्षण भी किया गया है कि क्या वाकई में ये पेड़ खतरनाक स्थिति में है या नहीं है। इस पेड़ का जो है उपाय योजना मनपा और दमकल विभाग के अधिकारी जो है कर रहे हैं। बहरहाल पेड़ घर के ऊपर लटकने की वजह से इस घर में जो रहने वाला परिवार है वो काफ़ी डरा और सहमा सा है। ये अभी 11:30 बजे के टाइम पे एक उसका जो ये होता है टहनी वो गिर गई। वो ऐसा गिरी कि यहाँ पे इनका छत जो है वो टूट गया और एक लेडी आई थी जो मांगने के लिए आती है अक्सर, वो आई थी, उसको भी थोड़ा बहुत लग गया। तो उसको हम लोग बोले भी कि चलो हॉस्पिटल ले जाओ, तो डर के मारे वो चले गई, साइन में रहती थी तो वो चले गई। ज्यादा लगा या कम लगा? ज्यादा लगा, उसके सर पे थोड़ा मार क्या लगा। टहनी लगी थी, टहनी लगी और फिर ये भी गिरा ना तो उसके पीठ के पास ही गिर गया। अच्छा, तो एकदम डर गई। तो ये झाड़ तो अभी पूरा टच हो गया है, जो आपकी सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पर, तो पूरा टच हो गया है। हाँ, पूरा टच हो गया। ये दो दिन पहले जो अभी हवा और जो बारिश जो हो रही थी ना, हल्की से हवा कुछ ज्यादा ही चल रही थी, तो जब ये झाड़ ज्यादा झुक गया। और इनके जो हमारे बाजू में जो रहते हैं अदनान, उनकी भी बच्चियां बाहर खेलती हैं। खासा कभी कुछ अगर बड़ा हो बच्चे के घर ही है ना पूरा, तो बच्चे तो नहीं वो खेलेंगे बच्चे। अभी कभी कुछ खुदा ना खासा बड़ा हो गया तो, अभी आए फायर ब्रिगेड वाले आए थे बट उन्होंने देख के गए, बट वो ये बोल रहे कि कल आप लोग आओ वहाँ पर कंप्लेंट करो। वो हम लोग कंप्लेंट करने के बाद फिर उसके जो रहते हैं वो लोग आएंगे, उन लोग चेक करेंगे कि वो झाड़ कैसा है, सीधा है कि कैसा है, काटने लायक है या नहीं, काटने लायक है कि नहीं। फिर वो ऊपर उन लोग अर्जी डालेंगे, फिर उन लोग आके चेक करके फिर देखेंगे काटना है या नहीं काटना। अगर उसके चेक करते करते अगर खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा हादसा हो गया तो अभी मेरा घर तो है ओके, लेकिन ये बाजू वाले के घर पर खाली पत्रा है। अगर उधर पे गिर गया खुदा ना खास्ता रात में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान शेख है। क्या हुआ था यहाँ पर, कितने बजे पेड़ लटका है, जो ये घटना कितने बजे? 11 बजे के टाइम पे ये गया, पेड़ से डाली गिरी मेरे छत पे, देखो मेरे छत का वो गिर गया है पूरा। अच्छा, ये पहले से ये पेड़ ऐसे टेढ़ा था, अभी सीढ़ी पे टच हो गया पूरा दीवार को लेके, तो पहले से हुआ है जब ही टेढ़ा हो गया था पूरा। अच्छा, तब से ये गिरने पे आ गया है पूरा, वो मतलब खतरनाक हो गया, खतरनाक हो गया है। मेरे घर में दो बच्चे है। कितने लोग रहते हैं घर में? हम लोग 4 जन हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। ओके, अभी फायर ब्रिगेड के लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, देख के गए, वो बोलते कल कंप्लेंट डालेंगे फिर उसके बाद उन लोग आएंगे चेक करेंगे फिर काटेंगे उसको। अच्छा, काटेंगे भी नहीं बोल रहे, देखेंगे बोल रहे। अच्छा,